ओम मां गणेशाय नमः, ओम गं गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूं आज फिर एक विशेष चर्चा करने के लिए। चर्चा शुरू करूं उससे पहले निवेदन करूं कि मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जाते जाते नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लेंगे तो मेरे सारे अगले वीडियो की सूचना स्वतः आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। और अच्छा लगे वीडियो आपको तो लाइक तो करिए, लोगों को शेयर भी कराइए जिससे ज्यादा लोगों को फायदा हो। और जाते जाते कमेंट में माँ गणेशाय नमः लिखिए, भगवान गणेश का आशीर्वाद दीजिए। तो मित्रों मेरी चर्चा देखिए थंबनेल में क्या लिखा मैंने। साप्ताहिक राशिफल 19 जून से 25 जून 2023 सोमवार से रविवार। मैं मेष राशि से मीन राशि तक सभी राशियों की चर्चा कर रहा हूँ, यानी आने वाले सोमवार से और रविवार तक पूरे सप्ताह का भविष्य पर हर राशि का मेष से मीन तक। तो अभी मैं चर्चा करूंगा नंबर 3 राशि यानी मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि का मतलब नंबर 3 राशियां आ गई। और देखिए ग्रह गोचर अगर आप देखें तो ग्रह गोचर के हिसाब से यानी केवल बुध का थोड़ा परिवर्तन होगा। बुध वैसे द्वितीय राशि वृषभ राशि में 24 जून को बुध जो है मिथुन राशि में आ जाएंगे सूर्य के पास, और सूर्य के साथ में बुध आदित्य राजयोग रहेंगे। और देखिए मिथुन राशि के लिए खासतौर से बुध का भद्र महापुरुष राजयोग बनना है, क्योंकि मिथुन राशि में केंद्र में बैठे हुए हैं बुध। तो बुध राशि को भद्र महापुरुष राजयोग और सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग केंद्र में बैठने से ये बताया है 24 तारीख से बन जाएगा। और 24 तारीख से यहाँ जाएंगे बुध सूर्य के पास, उससे पहले बुध यहाँ होंगे। और बाकी सब ग्रह शुक्र मंगल चौथे में और केतु सातवीं राशि में और शनि ग्यारहवीं राशि में, जो कि शनि 17 जून यानी आज शाम से बकरी हो जाएंगे। और बकरी शनि धीमे चलेंगे तो पिछली राशि पर भी असर डालेंगे, तो ये यानी मकर राशि पे इफेक्ट पड़ेगा। तो बकरी शनि स्ट्रांग हो जाते हैं, ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि उनका टाइम ऑफ इंटरेक्शन पृथ्वी से ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी गति स्लो हो जाती है। स्लो गति से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ज़्यादा देर तक होता है, तो उसका असर ज़्यादा होगा। और शनि बकरी है तो इस राशि को देख रहे हैं। तो ये तो भाई देखिए ग्रह गोचर यानी ग्रह गोचर या ग्रहों की स्थिति कही है। और चंद्रमा पे डिपेंड करता है ये राशिफल जो है। तो चंद्रमा 19 तारीख को देखिए चंद्रमा चौथी राशि में कर्क राशि में होंगे शुक्र मंगल के साथ। कहाँ पर? धन भाव में। धन भाव में चंद्रमा शुक्र और मंगल। 20 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे यहाँ पराक्रम भाव में सूर्य की राशि में सिंह में। और 23 तारीख को यानी 20, 21, 22 यहाँ जाएंगे। और 23 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे कन्या राशि में चौथे भाव में सुख भाव में। और यहाँ 23-24 को रहेंगे और 25 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे पंचम भाव में यहाँ तुला राशि में केतु बैठे हुए। ये सप्ताह का अंतिम दिन होगा। तो सप्ताह के स्टार्ट में चंद्रमा धन भाव में, सप्ताह के समाप्ति में चंद्रमा संतान भाव में। ये रहा मिथुन राशि के लिए ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति। अब देखिए हम देखते हैं कि क्या फल मिलता है मिथुन राशि वालों के लिए। एक तो पहले मैं बता दिया कि मिथुन राशि के लिए बुध का जो है यहाँ बैठना बहुत अच्छा है, भद्र महापुरुष राजयोग बन रहा है, यानी केंद्र में बुध बैठते हैं अपनी राशि में उच्च के होते हैं। और सूर्य बुध का 24 तारीख से बुध आदित्य राजयोग बन जाएगा, जिसका असर अगले हफ्ते ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि अभी तो 25 तारीख को ये 24 को आएंगे, 25 को हफ्ता खत्म हो जाएगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए 19 जून को धन भाव में आ गए चंद्रमा सूर्य मंगल के साथ। तो मिथुन राशि के लिए भाई आय में 2 वृद्धि हो गई, धन आएगा सर्दी गारंटी से, आमदनी बढ़ेगी, धन का आगमन होगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। धन भाव में शुभ मंगल शुक्र मंगल चंद्रमा की अति लाभकारी स्थिति है। भाग्य भाव में शनि भाग्य वर्धन कर रहे हैं, देखिए शनि भाग्य वर्धन कर रहे हैं तो यहाँ बैठ करके और पिछली राशि को देख रहे हैं तो मकर राशि को भी, यानी अष्टम में भी। अष्टम में क्या होता है, गुप्त धन हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, गुप्त प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ये सब। तो शनि जो है भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य वर्धन कर रहे हैं और दसवीं उनकी एट्थ
हैं दृष्टि नहीं, लेकिन तीर्थ हाउस पर भी उनका प्रभाव पड़ रहा है, बकरी सनी है। इसलिए परिवार के व्यक्तियों का साथ मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, यात्रा करेंगे, यहाँ से धार्मिक यात्रा होंगी, विदेश की यात्रा हो सकती है, विदेश व्यापार कर रहे हैं बुद्ध तो लाभ मिलेगा, बुद्ध जो अच्छे 24 तारीख तक बुद्ध में बैठ जाएंगे तो व्यापार में लाभ मिलेगा, आपकी योजना सफल होगी, नए कार्य मिलेंगे। बृहस्पति की राशि है मीन राशि दशम भाव में, और बृहस्पति देखिए बहुत बढ़िया बैठे हुए हैं भाग्य लाभ भाव में, लाभ भाव के बृहस्पति लाभ 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 भी लाभ दे रहे हैं, पैसे पैसा दे रहे हैं, और यहाँ नौकरी के और व्यापार के भाव बैठे तो यहाँ बैठ करके अच्छा, और ये नवी राशि यानी धनु राशि भी यहाँ बैठी हुई है तो यहाँ भी पति पत्नी के लिए, क्यों बृहस्पति बहुत अच्छे बैठे हैं लाभ भाव में, तो बृहस्पति की दोनों राशियाँ सप्तम में और दशम में बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छा लाभ देगी, पैसा देगी, दाम्पत्य जीवन में सुख, दाम्पत्य जीवन में माधुर्य, बहुत अच्छा बृहस्पति की राशि। तो 23 तारीख को देखिए जून को चंद्रमा आ जाएंगे सुख स्थान में यहाँ पर, तो 23 तारीख को चंद्रमा सुख स्थान में आएंगे तो सुख कारणों को वृद्धि कराएंगे, सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे। कन्या राशि है यहाँ पर, और बुद्ध जो है यहाँ पर केले में अच्छा बना रहे हैं भद्र महापुरुष राजयोग, और 24 तारीख को तो फिर कन्या राशि अच्छी है, और कन्या राशि चंद्रमा यहाँ बैठ करके दसी जाएगी दिसंबर, जहाँ बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति भी उच्च के बैठे हुए तो ये भी बनता चंद्रमा यहाँ पर, यहाँ धन भाव में अच्छा फल, यहाँ सुख भाव में अच्छा फल, चंद्रमा सुख साधनों की विकसित करेंगे, माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा। देखिए सप्ताह के अंत में 25 जून को चंद्रमा आ जाएंगे फिफ्थ हाउस में, 25 जून को तो चंद्रमा जब फिफ्थ हाउस में आ गए, यहाँ से दृष्टि सीधी जा रही है बृहस्पति पर, और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो फिफ्थ हाउस में चंद्रमा आने के बाद संतान को लाभ मिलेगा, संतान परीक्षाओं में कोई पितरों की परीक्षाओं में बैठ रहे हैं तो सफलता मिल सकती है, संतान जो पढ़ाई लिखाई में तरक्की हो सकती है एजुकेशन के क्षेत्र में, और आपका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसमें भी सफलता मिलेगी, क्यों बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। बस केवल राहु का है कि आप सोचिए ढंग से कि राहु जो है आपके दिग भ्रमित न कर दे, आपको राहु जो है आपको दिग भ्रमित कर देगा अगर तो फिर मुश्किल आ जाएगी, तो उसे राहु की सोच को बदल दिए, लेकिन बृहस्पति तो यहाँ अच्छा कर रहा है, बहुत जबरदस्त। तो पांचवें भाव में जब देखिए चंद्रमा जब आ जाएंगे तो बृहस्पति और चंद्रमा मिल करके प्रेम प्रसंग में आपको लाभ पहुंचाएंगे, संतान को लाभ पहुंचाएंगे, दाम्पत्य जीवन में लाभ मिलेगा, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति उसके बैठे हैं, दाम्पत्य पति पत्नी का अच्छा संबंध रहेगा, बहुत बढ़िया। स्थायी संपत्ति के मामले में सफलता मिलेगी, तो स्थायी संपत्ति में देखिए धन भाव में शुक्र मंगल है, ये जो है टेम्पररी संपत्ति का हो रहा है, यहाँ भी दृष्टि पड़ रही है शुक्र मंगल की, पर यहाँ तो बैठे हुए हैं, तो स्थायी संपत्ति में लाभ मिलेगा। जीवन में दाम्पत्य जीवन में मैंने बता दिया मधुरता आएगी, वातावरण अच्छा रहेगा, बाहर सुख प्राप्त होगा, क्योंकि वाहन चंद्रमा यहाँ 23 तारीख को, तो वाहन सुख मिलेगा, भवन सुख मिलेगा, गाड़ी बेचना चाहते हैं तो लाभ से बिक जाएगी, खरीदना चाहते हैं तो लाभ होगा, क्योंकि चंद्रमा सुख साथ में सुख स्थान में बैठे हुए हैं, स्टार्ट में 23 तारीख को, 23 को रहेंगे, 24 को रहेंगे, 25 को यहाँ आएंगे, तो आप चंद्रमा के यहाँ बैठने से या देखने से आपको नौकरी में व्यापार में सदैव तरक्की मिलेगी, नौकरी में आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिल सकता है, बॉस खुश हो सकते हैं, तो आपको भौतिक सुख साधनों की तो वृद्धि होगी ही होगी। यहाँ पर मिथुन राशि वालों को देखिए बातों यानी अपने वाणी का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, मंगल यहाँ बैठे हुए हैं दूसरे भाव में, तो अपने वाणी में थोड़ा सा सौम्यता रखिए, वाणी में मधुरता रखिए, वाणी में कठोरता आ गई, कर्कशता आ गई तो फिर क्रोध आ गया तो फिर सब नुकसान हो जाएगा, सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, तो वाणी में आप मधुरता रखिए, वाणी में मधुरता रहेगी, धन भी आएगा, सुख भी आएगा, सुख साधन भी बढ़ेंगे, नौकरी में तरक्की होगी, सब कुछ बढ़िया होगा, पति पत्नी का भी संबंध अच्छा रहेगा, अगर वाणी में आपके
मधुरता है। तो आपकी मुलाकात कुछ अच्छे लोगों से हो सकती है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको बहुत फायदा होगा। किसी एक बात को लेकर आपको तनाव आ सकता है, क्यों यहाँ बृहस्पति के साथ राहु बैठे हुए हैं, तो मेंटल तनाव आ गया तो उसकी दूर करने का मैं ये उपाय बता सकता हूँ कि आप मेडिटेशन कीजिए। रात को सोने से पहले सुबह उठकर थोड़ी देर 5-10 मिनट एकाग्रचित होकर के श्वास के हवा के आवागमन पर दृष्टि डालिए। हवा आ रही है नाक से तो कहाँ टच कर रही है, नाक के नॉस्ट्रल्स को आगे या अंदर, और जब छोड़ रहे हैं तो कहाँ, क्योंकि वो एकाग्रचित होना उसी में है। और बस ध्यान लगाइए अपना, मेडिटेशन करेंगे तो आपको दिमाग में शांति मिलेगी। योगा मेडिटेशन, योग निद्रा, भस्त्रिका, कपालभाति, भ्रामरी मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी है। तो आपका राहु से जो कुछ मस्तिष्क में आपके विचार आएंगे वो सब ठीक हो जाएगा। आप किसी के बहकावे में ना आए, रिश्तों को उचित सम्मान दें। सूर्य के और बुद्ध के उपाय करेंगे अगर और ज्यादा लाभ चाहते हैं। देखिए सूर्य बुद्ध आपके अच्छे हैं और यहाँ वे लग्न में हैं, तो और ज्यादा लाभ चाहते हैं अगर आपके जीवन में, तो सूर्य बुद्ध के उपाय कीजिए। यानी सूर्य बुद्ध के उपाय का मतलब क्या है, सूर्य को प्रातःकाल उठते ही नहा धोकर के तांबे के लोटे में लाल पुष्प डाल के या लाल रोली थोड़ी डाल के जल चढ़ाइए। और बुद्ध के लिए आप गाय को हरा चारा खिलाइए, गाय को पालक खिलाइए, घास खिलाइए, बड़ा लाभ मिलेगा। तो मित्रों मिथुन राशि के लिए, चूंकि अब ये यहाँ पर मिथुन राशि यहाँ बुद्ध यहाँ आ गए और 8 जुलाई तक शायद यहाँ रहेंगे, तो भते महापुर राजयोग तो कई राशियों में बनाएंगे। यहाँ केंद्र में ये मिथुन राशि बैठेगी, यहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी, तो 4 राशियों को हमने अलग चर्चा कर चुका हूँ। ये भद्र महापुर राजयोग बना के बुद्ध अभी तो मिथुन में बना रहेंगे, तो मिथुन को भी बहुत लाभ देंगे, बहुत जबरदस्त। तो मित्रों अभी मैं यहाँ विराम लेता हूँ, आगे आऊंगा तो अगली राशि की चर्चा करूंगा मित्रों। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों। नमस्कार।